हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं खनौर रॉयल मोटर्स में आपको दिखाने था ऑल न्यू XUV 400। शोरूम के डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बिग थैंक्स फ्रॉम मी टू देम। एंड शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी व्यूअर्स से कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स आते रहें। एंड एक लाइक बटन दबा दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कार विदाउट एनी फर्दर अडू विद द इंट्रो। तो गाइज, ये है द ऑल न्यू XUV 400 EL Pro। तो ये है आपका डुअल टोन वाला वेरिएंट जिसका एक शोरूम प्राइस है नियर अबाउट 17,69,000। एंड आपको इसमें दो ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक डुअल टोन वाला देखने को मिल जाएगा और दूसरा एक आपको सिंगल टोन वाला देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका बॉनेट खोल के हम लोग देख लेते हैं एंड लेट्स चेक आउट द इलेक्ट्रिक मोटर। इंसुलेशन प्रोवाइडेड नहीं है। दीज आर द मोटर डिटेल्स ऑफ द कार, मोटर स्पेक्स रादर। तो चलिए इसको बंद करते हैं। तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। दिस इज द कार की, आपको पीछे की तरफ आपको महिंद्रा का 2 इंच का लोगो देखने को मिल जाएगा इन क्रोम इन कॉपर फिनिश। सामने की तरफ आपको लॉक अनलॉक बूट रिलीज का बटन देखने को मिल जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्लिप की। तो चाबी का डिज़ाइन आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट से इस कार को कोई भी चेंजेस नहीं दिया गया है। आपको जैसा हैलोजन सेटअप में, प्रोजेक्टर सेटअप में आपको हेडलैम्प वगैरह देखने को मिलता था वैसे ही देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप भी प्रोवाइडेड है। फुल्ली फ्रंट प्रोफाइल जो है एकदम आइडेंटिकल आपको देखने को मिल जाएगा। सो वैसे भी इस गाड़ी का जो लुक्स था वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस था, तो महिंद्रा को ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं पड़ी इसको चेंज करने का। ट्विन पिक लोगो इन कॉपर फिनिश, एरो डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम है, बॉनेट वगैरह। तो सामने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चले चलते साइड की तरफ। यहाँ पे भी आपको ये जो व्हील्स का डिज़ाइन है ये आपको अपडेटेड देखने को मिल जाएगा। व्हील का जो साइज़ है वो है आपका R16, मतलब 205/65 R16। तो 16 इंच के व्हील्स है जो सेम ही आपको पिछले जनरेशन या फिर पिछले वाले मॉडल में देखने को मिल जाता था। आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर कर दिया गया है। साइड से भी आपको एज इट इज़ सेम लुक अभी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप करेंगे इस गाड़ी को चार्ज। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कार। विंडो लाइंस, आपका जो रूफ रेल है, सनरूफ वगैरह है, सब कुछ आपको आइडेंटिकल देखने को मिल जाएगा। सो नो अपडेट इन दोज थिंग्स। दीज आर द कलर ऑप्शंस। And these are the safety features of the car. तो चलिए चलते इसके पीछे की तरफ। पीछे में भी आपको सेम लुक दिया गया है, आपका जो लाइट्स है वो कॉम्बिनेशन ऑफ LED एंड हैलोजन में दिया गया है। एडिशन है यहाँ पे एक EV का बैजिंग, यहाँ पे XUV 400 का बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगा। एमिनिटीज के बारे में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ, डीफॉगर, वाइपर्स, एवरीथिंग सेम। यहाँ पे आपका पार्किंग कैमरा दिया गया है। नीचे की तरफ पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर सब कुछ प्रोवाइडेड है। चलिए इसका बूट खोल कर देखते हैं। दिस इज द बूट स्पेस ऑन ऑफर। एज इट इज़ आपको सेम देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे दिया गया आपका बूट लैम्प, आपको अच्छा खासा बूट लिप देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हेवी चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर बाहर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए इसको बंद करते हैं एंड चलते इस गाड़ी के अंदर। तो पीछे का दरवाज़ा खोलते ही आपको दिखेगा यहाँ पे जो लेआउट है वो अभी डुअल टोन कर दिया गया है, जो इसका एक लेवल अप हो चुका है पहले जनरेशन से अगर आप कंपेयर करो तो। यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट में आपको विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगा। ये विंडो जो है पूरा नीचे तक जाता है, तो थम्स अप फॉर दैट। पूरा का पूरा विंडो एरिया आप यूज़ कर सकते हो। सिल्वर फिनिश में, ब्रश सिल्वर फिनिश में आपको इसका फुल लेवल देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर, सम स्पेस, ग्रैब हैंडल, ये वाला पोर्शन आपका लेदर रैप्ड है। और यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया इसका स्पीकर। एंड ये इसका इंटीरियर एट अ ग्लांस गाइस। सो गाइस, हियर आई एम इनसाइड द कार। आपने दो थर्ड तो सुन ही लिया कि बहुत ही अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी है।
सामने का जो सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट्स के साथ प्रोवाइड करवा दिया गया है बोथ द साइड्स। आपको ग्राफ हैंडल्स में कोट हुक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है इन बोथ द साइड्स। ये इसका रूफ लैंप, रूफ लाइनिंग जो है वो बहुत ही लग्जूरियस है, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा फील आएगा आपको इस गाड़ी के अंदर। ये आपका फैशनेबल मैगजीन होल्डर्स वगैरह है जो मोर ऑर लेस यूजफुल है, सेम इन दिस साइड। यहाँ पे सेंटर में आपको दो एसी वेंट्स देखने को मिल जाएगा विद ब्रोंज या कॉपर सराउंड्स। यहाँ पे एक यूएसबी टाइप सी सॉकेट ऐड किया दिया गया है। नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट और यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हो। बीच का जो हम्प है वो उतना हाई नहीं है, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। यहाँ पे आपको दिया गया इसका आर्म रेस्ट विद टू कप होल्डर्स और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ ये आता है, एंड 3-point सीट बेल्ट फॉर द मिडिल पैसेंजर इज नाउ इंक्लूडेड विद दिस कार। आगे बढ़ते हैं, आपको एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम एंड नी रूम देखने को मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता तो बढ़िया होता, बट एज सच कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो हेडरेस्ट हेडरूम है वो मोर देन सफिशिएंट है, तो आपको इस बारे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये इसका डैशबोर्ड, मैक्सिमम अपडेट्स आप वहीं पर देख सकते हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग सामने की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आप देख ही सकते हो इस गाड़ी में आपको फिजिकल की इंसर्ट एंड रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दरवाज़ा खोल के देख लेते हैं। सबसे पहले डोर का जो लेआउट है, अगेन ड्यूअल टोन लेआउट में आपको दिया गया है। पियानो ब्लैक एलिमेंट्स में आपको विंडो के कंट्रोल्स एंड ORVM के कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपका डार्क क्रोम फिनिश में इसका पुल लीवर, स्पीकर्स, ट्विटर्स, आपका बॉटल होल्डर्स एंड सम अदर स्पेस। यहाँ पे आपका लेदर रैपिंग दिया गया है एंड ये आपका ग्रैब हैंडल, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है। ये आपका वन टच डाउन ओनली है, अप नहीं है, तो इसको अगर अपडेट कर देते तो आई गेस बढ़िया रहता। यह इसका इंटीरियर एट अ ग्लांस। और यहाँ पे आपका जो सीट्स है वो फुल्ली मैनुअली एडजस्टेड है, आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये प्रोवाइड करवा दिया गया है। इस पोर्शन में आपको दिया गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन और ये है आपका हेडलैम्प लेवलर। एंड चलिए चलते हैं अब इस गाड़ी के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्टीयरिंग व्हील है गाइज, ये पहले से अपडेट कर दिया गया है। अभी ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये रिजेंबल करता है आपका XUV 700, स्कॉर्पियो N, इन सब गाड़ियों के साथ। अगर इन गाड़ियों का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो यहाँ पे दिया गया है। चलिए पहले इसको ऑन कर लेते हैं। और गाड़ी ऑन करते ही आपके जो ORVMs है वो अनफोल्ड हो गए। आपको देख जाएगा यहाँ पे दिया गया है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये आपका नया बड़ा वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो अभी इस बार दिया गया है विथ एड्रीनॉक्स। आपको यहाँ पे दिया गया है इसके फिजिकल बटन्स कंट्रोल्स के लिए। और इसका जो टच रिस्पॉन्स है गाइज, वो कोई भी आपको लैग यहाँ पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाएगा। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ अभी ये गाड़ी आती है, तो थम्स अप फॉर दैट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड वो जो बेल वाला आइकन है ना, उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मेरे चैनल के आते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ आपको दिया गया ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर। ये जो स्टीयरिंग व्हील है गाइस, ये आपका आता है ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। इस तरफ दिया गया आपका ऑटोमेटिक वाइपर और इस तरफ ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल्स। और ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसका जो लेआउट है आपको कहीं हद तक XUV 700 याद ज़रूर दिलाएगा, सो थम्स अप फॉर दैट। और ये स्टीयरिंग व्हील में आपको इस तरफ जो कंट्रोल्स है वो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपको दिया गया है क्रूज कंट्रोल वगैरह का कंट्रोल्स, और यहाँ से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। सेटिंग्स, नेविगेशन, अब अभी नेविगेशन को फुल स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको बार बार यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली यहीं से आप अपना ड्राइविंग में फोकस करके नेविगेशन वगैरह देख पाओगे। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा दो USB सॉकेट्स और ये है आपका वायरलेस मोबाइल फ़ोन चार्जर विथ कूलिंग फंक्शन। तो फ़ोन रखते ही आपका फ़ोन हो जाएगा स्टार्ट, हो जाएगा चार्ज करने में। ये जो गियर लीवर है ये सेम दिया गया है, बहुत ही क्यूट सा गियर लीवर है, देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। यहाँ पे दो कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। और ऊपर की तरफ ये आपका सनरूफ। चलिए इसको पहले खोल लेते हैं ताकि थोड़ा लाइट आ जाए अंदर। और ये इसका आर्मरेस्ट जो ओपन अवेल है, काफ़ी डीप भी है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स,
कैबिन लैंप्स सब कुछ प्रोवाइडेड है। ये है इसका सन वाइजर जिसमें कोई भी मिरर या लाइट नहीं दिया गया है। पैसेंजर के लिए आपको दोनों मिल जाएगा, लाइट एंड मिरर। ग्रैब हैंडल बहुत ही खूबसूरत से लेआउट दिया गया है, यहाँ पे एक पियानो ब्लैक एलिमेंट में एक लेआउट दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको बहुत ही डीप ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है। आपको पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है वो हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिलेगा। ये जो आपका बीच वाला सेंटर है वो आपको कुछ स्पेस दिया गया है ताकि आप अपना आइडल वगैरह लगा सको। और ये जो स्क्रीन है ना गाइस, ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी है। बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये स्क्रीन कैसा लग रहा है। एंड ओवरऑल इस गाड़ी का डैशबोर्ड आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और ये जो आपका सीट्स है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपका ड्राइव मोड्स के बटन जैसे कि फास्ट मोड, फियरलेस मोड, फन मोड, ये तीनों के तीनों मोड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हैजर्ड लैंप के बटन, एसी वेंट्स में भी आपको कॉपर कलर का वो सराउंड आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाएगा, सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बीच में ये पावर बटन में आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील में आपको ब्लू एक सराउंड देखने को मिलेगा विद दिस महिंद्रा का लोगो। दिस इज द हॉर्न ऑफ द कार। और चलिए इसको बंद कर देते हैं सनरूफ को। आप इस सनरूफ को वेंट भी कर सकते हो, सो थम्स अप फॉर दैट। और ये जो कवर है ये आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। तो ये था मोर ऑर लेस इसका केबिन चेंजेस एंड अपडेट्स। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको क्या चेंजेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या आपको लगता है कि और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। That was pretty much everything. अब चलिए चलते इस गाड़ी के बाहर। Guys, ये था the all new XUV 400. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक बटन दबा दीजिए एंड जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर लीजिए एंड टर्न ऑन दैट बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। रॉयल मोटर्स के जो शोरूम डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जल्दी से जाकर चेकआउट कर लो। आपको महिंद्रा का कोई भी गाड़ी लेनी है यहाँ पे आके टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हो, इनका एंबियंस बहुत ही अच्छा है। बिग थैंक्स फ्रॉम मी टू देम एंड दैट वाज प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। चलता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए peace.